नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स को लेकर बड़ा अपडेट। अब बिहार में संभव नहीं होगी बिजली की चोरी। बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का प्रारूप तैयार। सुशांत सिंह के जन्मदिन के मौके पर बहनों ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई में भारत ने की शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबी 1671 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना करेगा जारी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल मिलाकर 1671 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 28 जनवरी 2023 से जारी करेगा। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2023 तक होगी। पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार केंद्रीय गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। अब बिहार में बिजली चोरी करना होगा मुश्किल। बिहार में बिजली की चोरी को रोका जा सके इसके लिए बिजली कंपनियों के द्वारा फीडर से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों तक मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली कंपनियों को इनके माध्यम से होने वाली बिजली आपूर्ति की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि कंपनियों के मुताबिक वर्तमान में सूबे के 33 केवी फीडरों में 1528 और 11 केवी फीडरों में 3993 मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन करीब 2.77 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाने की तार थोड़ी धीमी है। इसे पूरा करने का लक्ष्य कंपनियों के द्वारा 2022 तक रखा गया है, लेकिन अब तक करीब आधे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर भी मीटर नहीं लग सके हैं। मीटर लगने से बिजली कंपनियों को बिजली चोरी के मोहल्लों को भी चिन्हित करने में मदद मिलेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रकाश झा के बारे में। प्रकाश झा एक भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं, जो ज्यादातर अपनी राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक फिल्मों जैसे हिप हिप हुर्री, दामुल, मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और डर्टी पॉलिटिक्स जैसी मल्टी स्टारर फिल्म के लिए जाने जाते हैं। वह फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म और सोनल जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वृत्त चित्रों के निर्माता भी हैं। वह एक प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश झा प्रोडक्शन चलाते हैं। वह पटना में पीएनएम मॉल और जमशेदपुर में पीएनएम हाई टेक मॉल के भी मालिक हैं। 2019 में उन्होंने तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित एक जीवनी फिल्म सांड की आंख में अभिनय किया। उन्होंने तोमर परिवार के मुखिया रतन सिंह तोमर की भूमिका निभाई। बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है। बता दें कि बीपीएससी के द्वारा उन उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है जो 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। दरअसल ये सभी वे उम्मीदवार है जिनकी आयु सीमा तय कट ऑफ डेट के तहत पात्र नहीं थी। उम्मीदवार इस सूची को देखने के लिए बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं वैसे उम्मीदवार जो अपना फॉर्म रिजेक्ट करने पर आपत्ति उठाना चाहते हैं, वे प्रमाण समेत अपना सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से 27 जनवरी तक भेज सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को किया जाएगा। बिहार के मनरेगा मजदूरों को जल्द मिलेगा पैसा। बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही मनरेगा मजदूरों को उनका बकाया पैसा का भुगतान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ महीनों से राशि नहीं मिलने से तकरीबन 500 करोड़ रुपए मनरेगा मजदूरों का बकाया था। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को मनरेगा मद में 1546 करोड़ रुपए इसी सप्ताह दे दिया गया है। वहीं अगर इन रुपयों में से मनरेगा मजदूरों के बकाया 500 करोड़ रुपए भी दे दिए जाते हैं तो करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बचे पैसे से वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित काम कराया जाएगा।
विदेश में रोजगार की तलाश करने वालों को बिहार सरकार देगी ट्रेनिंग। वैसे युवा जो विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों के लिए जिला स्तर पर अप्रैल से पूर्व क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय में अल्पकालीन शिक्षक व रिफ्रेशर कोर्स शुरू करेगा। विभाग के द्वारा बताए गए जानकारी के अनुसार इसके लिए एक शॉर्ट सिलेबस तैयार किया जाएगा, जिसमें कामगारों को उस देश के नियम के बारे में अवगत कराया जाएगा जहां वह जाना चाहते हैं। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा विदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और अब तक इसके तहत लगभग 50 एजेंटों को मान्यता दी गई है। बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का प्रारूप तैयार। बिहार में जाति आधारित गणना के पहले चरण की समाप्ति बीते दिन शनिवार को हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब इसके दूसरे चरण को लेकर प्रारूप तैयार कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2023 से होगी, हालांकि अब तक इसके तारीख की घोषणा नहीं की गई है। मालूम हो कि दूसरे चरण के तहत घर घर जाकर जाति के साथ ही सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सवाल लोगों से पूछे जाएंगे। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। वहीं सरकार के द्वारा सवालों पर अंतिम रूप से सहमति देने के बाद ही गजट प्रकाशित किया जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे नौलखा मंदिर के बारे में। पर्यटक स्थलों की सूची में बक्सर में नौलखा मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर जो बक्सर शहर का एक धार्मिक स्थल है, इस मंदिर में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है। इसके अलावा यहाँ इस मंदिर में अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। इस मंदिर की कलाकृति बाहर से ही बहुत अद्भुत है। यह मंदिर जो दक्षिणी भारत के मंदिरों के स्टाइल से भरा हुआ पूर्वी भारत का लोकप्रिय मंदिर है। जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर की कलाकृति की गई है, उसी प्रकार से नौलखा मंदिर की कलाकृति भी की हुई है। यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण होता है। शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए नियमावली में होगा बदलाव। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए शिक्षकों के लिए अहम खबर है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बीते दिन जारी किए गए बयान में जानकारी दी गई है कि नियमावली में संशोधन के तहत शिक्षकों की मूल कोटि, स्नातक कोटि और प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक की वरीयता नए जिला संवर्ग में उनकी नियुक्ति वर्ष में नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी। दरअसल पूर्व में नियमावली के तहत केवल मूल कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध थी। अब जल्दी नियमावली प्रवृत्त होने के बाद अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों के भी लिए जाएंगे। सुशांत सिंह के जन्मदिन के मौके पर बहनों ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें। बीते दिन 21 जनवरी को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बर्थ एनिवर्सरी था। ऐसे में इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के द्वारा सुशांत की कुछ अनदेखी तस्वीरों को शेयर किया गया। सुशांत के बहन श्वेता के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो बताते नजर आ रही हैं कि सुशांत को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच केवल 1 साल का गैप था, ऐसे में पूरा घर उन्हें गुड़िया गुलशन कहकर बुलाता था। त्योहार के मौके पर जब भी कुछ खास बनता था, हम दोनों भाई बहन आपस में खाते थे। वही सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका के द्वारा अपनी शादी की एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें सुशांत भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 11 साल पहले तुम सिर और मेरे एक होने के समय मौजूद थे। हम आज भी तुम्हें अपने आस पास महसूस करते हैं, लेकिन जिसे तुम हमारी तिकड़ी कहते थे, अब वह टूट चुकी है। वही दोनों बहनों के द्वारा शेयर की गई इन बातों को देख सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की आंखें नम हो गई और उनके द्वारा कई भी किए गए। बीते दिन माघ मौनी अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बीते दिन माघ मौनी अमावस्या रहा, ऐसे में बिहार में इस मौके पर गंडक नदी नारायणी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडो नेपाल सीमा स्थित त्रिवेणी संगम पर स्नान दान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ 3 दिन पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। वहीं सभी श्रद्धालुओं के द्वारा गंडक नारायणी नदी में स्नान करके पुण्य और मोक्ष की कामना की गई। मालूम हो कि ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर गंगा स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फोन गुम या चोरी हो जाने पर ऐसे करें बैंक डिटेल्स की सुरक्षा।
आज हम सभी के जिंदगी में स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में हम कई जरूरी चीजें अपने फोन में ही सेव करके रखते हैं, जिसमें से एक हमारे बैंक से जुड़ी जानकारी भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण हमारा फोन गुम या चोरी हो जाता है। ऐसे में हमारे फोन में सेव बैंक डिटेल्स का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में सबसे पहले अपने बैंक डिटेल्स को सुरक्षित करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें और कुछ जानकारी देकर तुरंत मोबाइल बैंकिंग को बंद करवा दे। आज हमारा सिम कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए टेलीकॉम ऑपरेटर को संपर्क करें या फिर आउटलेट पर जाएं और सिम कार्ड को ब्लॉक करवा ले। इसके साथ ही तुरंत सभी यूपीआई आईडी और वॉलेट्स को बंद करवा दे, क्योंकि इन यूपीआई ऐप से हमारा अकाउंट लिंक होता है। ऐसे में मोबाइल को चुरा कर ले गया व्यक्ति यूपीआई ऐप तक पहुंच सकता है और हमारा पैसा साफ कर सकता है। 2025 तक बन जाएगा यहाँ पर मेट्रो डिपो। राजधानी पटना में मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों के निर्माण में प्रदेश सरकार की ओर से आवश्यक भूमि सौंपे जाने के बाद से तेजी आ गई है। बता दें कि अब तक कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से पर सिविल कार्य 30% तक पूरा भी किया जा चुका है और अनुमान के अनुसार इस कार्य को अगले 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाटलिपुत्र ISBT के पास मेट्रो डिपो के निर्माण का कार्य पूरा किए जाने का समय सीमा मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इस डिपो का निर्माण कुल 30.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है। सड़क पर उतरे पारा मेडिकल और लैब टेक्नीशियन छात्र। बीते दिन राजधानी पटना के तारामंडल के पास संविदा पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन और पारामेडिकल छात्र के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैब टेक्नीशियन छात्रों की मांग है कि इन्हें दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाया जाए और साथ ही नौकरी को स्थायी की जाए। तो वहीं पारामेडिकल छात्रों की मांग है कि उन्हें हॉस्टल और छात्रवृत्ति दी जाए। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन सहित पारामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां निकाली जाए और छात्रों को बहाल किया जाए। छात्रों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक उनके द्वारा इस तरह का आंदोलन करते रहा जाएगा। बिहार में मौसम ने बदला अपना रुख। शनिवार की सुबह प्रदेश के कई जिलों में हुई अचानक बारिश से मौसम का रुख पूरी तरह से बदल गया। बारिश और तेज हवा के कारण प्रदेश में एक बार फिर से कनकनी में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को भी ठंड का असर देखने को मिलने वाला है। हालांकि दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बर्फीली हवाओं की रफ्तार में कमी देखने को मिलेगी, जिसके बाद से धीरे धीरे ठंड में कमी देखने को मिल सकती है। हवा कम होने के बाद ही कनकनी में भी पैच हवा कम होने के बाद ही कनकनी में भी कमी देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। साइकिल से यात्रा कर 25 राज्य 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जाएंगे सुपौल के अजीत। बिहार के सुपौल के अजीत साइकिल से करीब 5 महीने में 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर 25 राज्य 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जाएंगे। इसी कड़ी में बीते दिन अजीत पूर्णिया पहुंचे, जहां लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। वहीं अपनी साइकिल यात्रा पर अजीत का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी मिली, लेकिन फिर भी उनका मन पर्यावरण और अध्यात्म को लेकर चिंतित रहता था। उन्होंने कहा कि यात्रा मेरे लिए सिर्फ भारत भ्रमण ही नहीं है, बल्कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करने के साथ साथ देश की सनातनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को भी समेट कर चल रहा हूं। उन्होंने बताया कि वे शुक्रवार को सुपौल के वीरपुर स्थित अपने घर से भारत यात्रा पर निकले थे और अब तक वे 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अररिया पहुंचे और अब पूर्णिया पहुंचे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने राज्यपाल से मगध विश्वविद्यालय को लेकर की मांग। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा राज्यपाल फागू चौहान से मगध विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी विषयों के सत्रों को नियमित करने की मांग की गई है और साथ ही 3 वर्षों से पेंडिंग 90,000 छात्रों के परिणामों को भी जल्दी जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है और पेंडिंग पड़े परिणामों को जल्द घोषित नहीं किया जाता है तो भाजपा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। सरकार लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मानस निंदा कर वोटों के ध्रुवीकरण व तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को राज्यपाल के सामने रखा।
12 फरवरी को रांची जाएंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड में अपनी पार्टी आरजेडी के विस्तार करने को लेकर अपने मिशन पर जुट गए हैं। इस मिशन के तहत वे आगामी 12 फरवरी को झारखंड पहुंचने वाले हैं। पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक व झारखंड प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दौरे पर उप मुख्यमंत्री वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे इस बैठक में आगामी चुनावों के दौरान उन्हें एकजुट होकर प्रत्येक बूथ व पंचायत स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने का आह्वान करेंगे। मांझी के सामने ही नीतीश कुमार ने कही ये बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे। वहीं नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के सामने ही कह दिया कि हम गया जिले में काफी विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मांझी को जिताने के लिए हमने काफी प्रचार प्रसार किया। यह इलाका पहाड़ी है लेकिन इस इलाके में अब विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम निचले इलाकों में पानी स्टोरेज करेंगे। अगर वर्षा कम हो और जल स्रोत में पानी रहे तो हम उसका यूज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि हम मांझी जी का विधानसभा है, तो पूछ लीजिए मांझी जी से कि एक बार हमने पहले भी और फिर दोबारा भी कहे थे कि चलिए वहीं से लड़ते हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार के बेगूसराय में सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से महागठबंधन की सरकार और उनके मंत्री राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लाचार मुख्यमंत्री बन गए। अपने पद पर रहने के लिए और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जदयू के लोग खावे के लिए हनुमान मंदिर में जाते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मुख्यमंत्री इतने लाचार और धृतराष्ट्र बने हुए हैं कि उनकी बात उनका मंत्री भी नहीं सुन रहा है। अगर हिम्मत है तो रामायण पर टिप्पणी करने वाले लोग कुरान पर टिप्पणी करके दिखाएं। कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की अटकलों पर सीएम नीतीश का बयान। इन दिनों ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब उठ रही इन अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है। उन्होंने बीते दिन अपने समाधान यात्रा के दौरान गया में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि सबका अपना अपना अधिकार है, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो 2-3 बार बाहर छोड़कर गए और फिर वापस आ गए। उनकी क्या इच्छा है इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो उनकी तबीयत खराब है, ऐसा पता चला है तो हाल चाल ले लेंगे। हाल ही में वे हमसे मिले थे तो पक्ष में बोल रहे थे, ऐसे हम उनसे मिलेंगे तो इस बारे में जरूर पूछेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकेंड ओडीआई में भारत ने की शानदार जीत। बीते दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। कीवी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाए। भारत की तरफ से मोहम्मद समी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। उनके अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट चटकाए, जिसके बाद भारत को 109 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम के 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली। इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए 1963 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में शुरू हुआ। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह का 1892 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद का 1934 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री नर्मदा सरोडकर का जन्म 1972 में हुआ। कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति T.M. कृष्णा का 1976 में जन्म हुआ। असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फूकन का 1977 में जन्म हुआ। त्रिपुरा के 9वें मुख्यमंत्री मानिक सरकार का 1949 में जन्म हुआ। 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ। 2014 में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता और फिल्म अभिनेता ए. नागेश्वर का निधन हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे नोटों के अमान्य होने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नोटों के अमान्य होने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या बैंक नोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य हो जाता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं है और वैध मुद्रा बने रहेंगे। स्वच्छ नोट नीति के तहत लोगों से अनुरोध है कि वे करेंसी नोटों पर ना लिखें क्योंकि यह उन्हें विरूपति करता है और उनके जीवन को कम करता है। जेईई मेन 2023 सत्र 1 का एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा जेईई मेन 2023 सत्र 1 की होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बता दें कि उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी उम्मीदवार को एग्जाम सिटी स्लिप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने में या जांचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वे jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर अपनी दिक्कत को सुलझा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि jeemain 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को आयोजित की जा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंबिका कर्ण, अभिषेक कुमार रॉय, दीपक कुमार, पंकज कुमार दास, नैन प्रकाश यादव, राजन राजवीर यादव, जीवनाथ मंडल, कुमारी संजना, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मधुलता, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई दो मैचों में किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन आपके अनुसार सबसे अच्छा रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।